साधु जी सीताराम। अरे जोर से बोलो साधु जी सीताराम। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहां के मुख्यमंत्री जी से पूरे मध्य प्रदेश भी आ गए। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह चतुर्थ वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलो, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिकमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो। हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो, और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1,000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। हमने कहा बहुत अच्छा, और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आप आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी पहले नंबर, फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, एक सज्जन ने कहा अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं, तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी वाणी में बोली अंकल 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 ध्यान देना, बेटियां भिकमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे सहिंसाएं के घर होती है। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई।